सरकार गांव और शहरों को स्वच्छ बनाने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन मेवात जिले के गांव बछौर की पानी से भरी हुई गलियों की तस्वीरें कुछ और ही तस्वीर दिखा रही। पानी से लबालब भरी हुई गलियां सबसे पिछड़ा जिला कहलाने वाली मेवात के गांव बछौर की हैं, जहां कुछ देर ही बरसात होते ही ये गलियां तालाब में तब्दील हो जाती हैं। इन गलियों में भरे हुए पानी में मच्छर मक्खियां पलते हैं। इतना ही नहीं, गलियों में पानी भरने से स्थिति ऐसी हो जाती है कि घरों से मुख्य द्वार पर भी पानी भर जाता है। ऐसे में परेशान ग्रामीणों को घर से निकलने के लिए कई घंटों की मेहनत करनी पड़ती है और घर में भरे हुए पानी को बाहर निकालना पड़ता है। इसे जी 2-3 साल हो गए इस समस्या को। सरपंच इधर आवे ना और हाथों से उलीचनो पड़े पानी। ग्रामीणों का कहना है कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाते समय इस गंदे पानी से गुजरना पड़ता है और कई बार तो स्कूल जाते समय बच्चे फिसल कर इस पानी में गिर कर चोटिल भी हो जाते हैं और साथ ही इस गंदे पानी में गांव में बीमारियां भी फैलती जा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। इस समस्या की शिकायत सरपंच से भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। महेंद्र के घर के आगे बहुत भारी पानी भरा पड़ा है। ये महेंद्र वाली गली है, इसमें पानी भरा पड़ा बहुत भारी। 3 साल हो गए, 3 साल से पानी भरा है। वो दर सब में बारिश आती है, झट भर जाती है और अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। सरपंच देखने तलाक भी नहीं आता उधर को। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लोगों द्वारा चुने गए सरपंच को जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी समान कार्य करवाने चाहिए और लोगों की समस्याओं का जल्दी निपटारा करना चाहिए।